हेलो गाइस, वेलकम टू आर्टोग्राफी स्टूडियो एंड मेरा नाम है विजय। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ऑयल पेस्टल की एक ऐसी टेक्निक जो शायद आप लोगों ने ना देखी हो। इस टेक्निक में हम लोग देखेंगे कि ऑयल पेस्टल को नॉर्मल चलाने के साथ साथ मेल्ट करके कैसे चलाया जा सकता है। जी हाँ, मेल्ट करके, मेल्ट पूरा मेल्ट नहीं, जस्ट हीट करके, कैंडल के साथ उसको हीट करके कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस ऑयल पेस्टल की टेक्निक को हम लोग स्पैचुला वर्क से रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नाइफ वर्क सुना होगा या स्पैचुला वर्क सुना होगा, जिसे कि कैनवस पे या एक्रेलिक कलर से या ऑयल कलर से करा जाता है। आज के इस आर्टवर्क को बनाने के लिए मैं ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ पेस्टल शीट के ऊपर, और एक कैंडल चाहिए होगा, मैच स्टिक चाहिए होगी, दैट्स इट। फ्लावर पॉट बनाते हैं आज। इसकी ड्राइंग मैं डायरेक्ट ऑयल पिस्टल से कर रहा हूँ। ब्लू कलर का पॉट होगा और उसके ऊपर फ्लावर्स होंगे, तो बेस के लिए लाइट ब्लू मैं ओवरऑल पॉट को फिल कर रहा हूँ। राइट साइड में हम डार्क शेड दिखाएंगे, तो डार्क ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर ब्लैक भी यूज़ करेंगे लेटर ऑन। बस उसको स्मच कर देते हैं, बेस लाइन, फिर फ्लावर्स के एक बेसिक शेप में बना रहा हूँ और उसके अंदर एक लाइट शेड एक फिल कर देते हैं जस्ट फॉर इट। अब इसके शेडो ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा स्मच कर देते हैं, बैकग्राउंड भी फिल कर देते हैं। कैंडल के साथ बहुत ध्यान से आपको काम करना होगा। और अब जब हम इसमें ऑयल पेस्टल को मेल्ट करेंगे तो बहुत ध्यान रहे, ऐसे करने से स्मोक आ जाएगा। आप या तो ऊपर डिस्टेंस से करें और या फिर साइड से बिल्कुल हल्का सा मेल्ट, ये तरीका सही है। अब एक सिंगल स्ट्रोक लगाएं आउटर से इनसाइड, हल्का सा मेल्ट किया और यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाया सिंगल, आपको स्ट्रोक रिपीट नहीं करना है। अब मैं बीच में एक डार्क शेड लगा देता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा इससे, और फिर ये रिपीट करें अभी सब सारे ही फ्लावर्स पे। फिर आप देख सकते हैं इसको फाइनली कैसा दिखाई देगा ये आपका ऑयल पेस्टल। थैंक यू, ये रहा आपका फ्लावर पॉट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं हमसे प्लीज़ वो भी बताएं, हम लोग इसको जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो में कोई भी सजेशन, कोई फीडबैक आप लोगों को फील हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।